Good morning, students. Today, in the continuation of the previous lecture, now we will discuss the heteroaromatic reactivity of aromatic heterocycles. Aromatic compounds are characterized by their extra stability due to delocalized pi electron substitution system. हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और जिसकी वजह से दे प्रेफर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रादर दैन एडिशन रिएक्शंस विद रिटेंशन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से है, अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रिटेन करके रखते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादा प्रेफरेबली देते हैं या ज़्यादा प्रेफरेबली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शंस. द एरोमेटिसिटी इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी विच इन टर्न मे बी कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड विद द रिएक्टिविटी. तो एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी वो एक दूसरे पे निर्भर करती हुई प्रॉपर्टीज हैं. हाउएवर, रिएक्टिविटी मे नॉट बी कंसिडर्ड द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, परंतु एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप हो ऐसा नहीं है, जबकि एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी और उनकी रिएक्टिविटी आपस में किसी हद तक related hain. The presence of heteroatom in the heteroaromatic system usually affects the reactivity. Ab hum jab six membered ko study kare ya aur heteroaromatic compounds ko study karte hain to unke analogs ke sath unka comparison karte hain. To jo heteroatom ki upasthiti hai heteroaromatic systems mein wo reactivity ko prabhavit karti hai, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं कि सिक्स मेंबर रिंग्स की जो रिएक्टिविटी है वो और जो फाइव मेंबर रिंग्स की रिएक्टिविटी है वो दोनों डिफरेंट टाइप की है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम. द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग द डिग्री एंड टाइप ऑफ रिएक्टिविटी इन हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम्स आर, मतलब किस तरह से वो प्रभावित होती हैं, उसमें जो पहला है जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक. द हेट्रो एटम मे बी इट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या और कोई, इफ दे आर बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विद मल्टीपल बॉन्ड दे कैन एक्सेप्ट शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड परमिट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. यानी जो ऐसे हेट्रो एटम्स हैं जो कि कार्बन से जुड़े हुए हैं, मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, दे कैन एक्सेप्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड will show nucleophilic attack या nucleophilic reagent उन पर attack कर सकता है. तो the attack of nucleophile is facilitated when the hetero atom is positively charged. यानी hetero atom में यदि electron की density कम होगी, positively charged होगा, तो उस पर nucleophile आसानी से attack कर सकता है. जैसा कि हम इस figure में देख रहे हैं, figure 39 में, इस हेट्रो एटम की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेट्रो एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है और कार्बन जो है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर आसानी से अटैक कर सकता है. नाउ द सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हेट्रो एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक थ्रू द फॉलोइंग सिस्टम. अब इसमें ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स हो रहा है. जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेट्रो एटम पर उपस्थित हैं वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स द अनसैचुरेटेड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और उस पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है. तो दिस कैन ऑल्सो बी ऑपरेटिव वेन द हेट्रो एटम इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो यदि हेट्रो एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या हेट्रो एटम नेगेटिवली चार्ज्ड हो, तो जो कार्बन एटम्स हैं माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच,
जिस पे कि इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। थर्डली, रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स टेंड टू रिटेन देयर एरोमेटिक कैरेक्टर। ऐसे एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स जो हैं वो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर से डेविएट नहीं होते या वो रिटेन करते हैं अपने एरोमेटिक कैरेक्टर। हाउएवर, रिंग ऑक्सीजन एटम, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिंग हेट्रो एटम्स एंड बेंजैनिलेशन रिड्यूसेस एरोमेटिसिटी। जब हम रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को जनरली डिस्टर्ब नहीं होने देते और रिटेन करते हैं। फिर भी रिंग में ऑक्सीजन एटम की उपस्थिति, नंबर ऑफ रिंग हेट्रो एटम्स यानी एक ही रिंग में हेट्रो एटम्स की अधिकता और बेंजैनिलेशन, जो कि एक्चुअली जैसे जैसे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स बढ़ती हैं वो जो है एरोमेटिसिटी को या एरोमेटिक नेचर को रिड्यूस करता है। अब इसी में जब हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो रिएक्टिविटी के साथ साथ एक और वर्ड या एक और टर्म हम स्टडी करते हैं जिसको कि हम सेलेक्टिविटी भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दो एकदम डिफरेंट टर्म्स हैं। एक कंपाउंड रिएक्टिव तो हो सकता है पर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो सेलेक्टिवली रिएक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। द रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड द सेलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पोजिशंस इन हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम्स टू बी अटैक्ड बाई द रिएजेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड बाई द रिएक्टिविटी इंडिसेस। यानी अब हम कोई भी कंपाउंड रिएक्टिव है और रिएक्टिव होने के साथ साथ उसमें कौन सी पोजीशंस ज़्यादा सेलेक्टिविटी होगी या कौन सी पोजीशंस पे ज़्यादा जो आने वाला रिएजेंट है अटैक करेगा, दैट इज़ द सेलेक्टिविटी। जैसे हम ऑर्थो, मेटा और पैरा कंपाउंड्स में भी स्टडी करते हैं तो कंपाउंड रिएक्टिव है पर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा सेलेक्टिवली रिएक्ट करता है या मेटा पोजीशन पे सेलेक्टिवली रिएक्ट करता है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नाउ यहाँ पर हम रिएक्टिविटी इंडिसेस से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द रिएक्टिविटी इंडिसेस मेथड इन्वॉल्व्स द कोरिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोसेस एंड सम इंट्रिंसिक पैरामीटर्स, दैट इज रिएक्टिविटी इंडिसेस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। यानी जो हेट्रो एटम उसमें प्रेजेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी से हमारा मतलब यही हुआ कि whether it is electron rich or it is electron deficient. The introduction of hetero atom in an aromatic system causes considerable change in the electronic property and therefore the parameter related to the hetero atom is used in the molecular orbital calculation in the hetero aromatic system. The reactivity indices are given as follows. The pi electron density refers to the electron density. अब इसी में जब reactivity indices में हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर electron density के बारे में बात करते हैं। हमने कहा ना कि hetero atom की जो electronic property है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जब हम इसको रिलेट करते हैं, द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज रेफर टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ गिवन कार्बन एटम ऑब्टेनिंग बाय समिंग अप द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल द फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा अभिप्राय है कि हम सम अप कर रहे हैं जो फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली डिटर्मिन्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डायरेक्टली हम ये इन्फ्रेंस दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंटेड रिएक्शन होगी या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज कंसिडर्ड टू बी अकर एट द पोजिशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाइएस्ट। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। वेयर एज न्यूक्लियोफिलिक अटैक
टेक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी वहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इन होमोलिटिक सब्स्टिट्यूशंस आर नॉट एप्रिशिएबली इफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस करते हैं या हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस स्टडी करते हैं, तो दे आर नॉट होमोलिटिक इन नेचर. बिकॉज होमोलिटिक नेचर में तो क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएंगे. मतलब कोई भी एटम जो होमोलिटिक रूप से डिवाइड हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उन पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा. सिमिलरली इसमें फिर आगे आता है फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, उसके साथ साथ एक और टर्म आती है फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज. द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल. एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल से हम फ्रंटियर ऑर्बिटल या फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलेट करते हैं. एंड देयर यूज एज रिएक्टिविटी इंडिसेस इन्वॉल्व्स द अजम्पशन, ये अज्यूम किया जाता है दैट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ द इनिशियल स्टेट. यानी जब एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्या होगा, एक उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, देन इट गोज इनटू द ट्रांजिशन स्टेट, देन द रिएक्शन अकर्स. ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट का हमें प्राप्ति होती है. यदि ट्रांजिशन स्टेट या जो एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी सफिशिएंट होती है कि ट्रांजिशन स्टेट से वो बाहर निकल जाए तो इट कैन गो इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. परंतु यदि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी नहीं हो पाती है कि वो ट्रांजिशन स्टेट से आगे चला जाए तो वो वापस क्या हो जाता है, वो रिएक्टेंट्स में ही कन्वर्ट हो जाता है. तो द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज मच मोर अनइवन एंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट चेंज्ड व्हेन अप्रोच्ड बाय द रिएजेंट. द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रादर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के बजाय वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा. एंड इफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मीन्स चार्ज ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द रिएक्टिविटी. जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि यदि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइज्ड है, वो इतनी स्टेबल है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, there occurs an electron exchange or charge transfer is significant, इतना significant है कि एक stabilized transition state को देगा, then the frontier electron density influences the reactivity. What we say is, in case of electrophilic substitution, अब दोनों type की reactions को हम यहाँ पर explain कर रहे हैं. In electrophilic substitution, the frontier electron density is the density in the HOMO, जो highest molecular orbital है. In electrophilic substitution, the frontier electron density कौन सी है, is the density in the HOMO. And these electrons are considered to be analogous to the valence electron of the atom. जैसा कि हमें पता है कि reactions में जो electrons participate करते हैं reaction में, those are the valence electrons जो outermost orbit में. तो HOMO जो है वो हमारा क्या होगा, highest ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, जो कि रिएक्शन में जिसके इलेक्ट्रॉन्स काम में आएंगे. तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द डेंसिटी इन द HOMO एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी द एनालॉगस ऑफ सिमिलर. एनालॉगस में सिमिलर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम. द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको कि हमने क्या रेफर किया है, फ्रंटियर ऑर्बिटल ऑफ द हेट्रोएटॉमिक सिस्टम विद द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. यानी जो हेट्रो एटॉमिक सिस्टम है हमारा, उसका तो HOMO और इलेक्ट्रोफाइल का क्या LUMO, वो दोनों रिएक्ट करके आगे रिएक्शन को बढ़ाएंगे. तो द एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स
अपॉन द एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग. LUMO एंड HOMO ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग हुई है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग, विच इन टर्न जो एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग है वो भी किस पे निर्भर कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स. यानी HOMO और LUMO के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो कि हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं. यानी जो डिफरेंस इन एनर्जी है, यदि वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा होगी तो प्रॉपर या एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग कम होगी, यदि वो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो मिक्सिंग विल बी मैक्सिमम. सो इफ स्मॉलर इज द डिफरेंस इन एनर्जी, लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर विल बी द रिएक्शन विद मोर एफिशिएंट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में किसका HOMO, जो हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम है उसका HOMO किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के LUMO के साथ रिएक्ट करेगा. और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किस बात पे निर्भर कर रही है कि HOMO और LUMO के बीच में कितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी है. इफ़ द डिफरेंस एनर्जी कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. लो एक्टिवेशन एनर्जी होते ही LUMO और HOMO में जो इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सिंग है या जो एक्सचेंज है, दैट विल बी ईजियर, फास्टर और एफिशिएंट मिक्सिंग होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो आसानी से हो पाएगी. नाउ सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट इलेक्ट्रोफिलिक. द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम, जस्ट रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक. तो LUMO तो हमारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और किसका हो गया, हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम का हो गया, एंड विद द फिल्ड HOMO ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. द हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड टेंड्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ट्रांजिशन स्टेट एंड द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन एटम इज देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इफ दे वर ऑक्यूपाइड बाई टू इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूक्लियोफिलिक में जो रिएक्शन हो रही है या जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ द अबाउट केस. यहाँ पर फ्रंटियर ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो LUMO होगा हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम का, जबकि न्यूक्लियोफाइल का जो है वो HOMO होगा. तो यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड tends to accept the electron pair in the transition state and the frontier electron density at the carbon atom is then the electron density in this molecule as if it was already occupied by two electrons. So the electrophilic and nucleophilic substitution reactions occur at the carbon with the greatest appropriate frontier electron density as shown in this figure 41. यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फिगर में शो करा है, फ्रंटियर ऑर्बिटल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो तो HOMO हो गया, लेकिन जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो LUMO जो है वो हमारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए. तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों टाइप की रिएक्शंस में अलग अलग स्टडी करते हैं. तो आपस में एक्सचेंज होगा रिएक्शन या एक्टिवेशन एनर्जी के कम ज़्यादा होने की वजह उनके डिफरेंस इन एनर्जी है, ये सब सारे फैक्टर्स जो हैं वो गाइड करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कैरी आउट होंगी और किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैरी आउट होंगी. नाउ नेक्स्ट टर्म व्हाट व्हिच वी स्टडी इज द लोकलाइज्ड एनर्जी या लोकलाइजेशन एनर्जी. द लोकलाइजेशन एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिफरेंस between the pi electron energy in the isolated molecule and the transition state complex. So the localization energy hai wo hum yahan par refer kar rahe hain difference in energy kiske beech mein, pi electron energy of the isolated molecule and the transition state complex. The relative stability of the different transition states in the same molecule are
in the same order as localization energy. The localization energy in the heteroaromatic system reflects the relative stability of the transition state complex and therefore predicts the orientation of the substitution reaction. हम कह रहे हैं कि तो जो localization energy है that is actually the difference between the pi electron energy किसी isolated molecule की और transition state complex में जो difference है in energy है that is actually the localization energy. अब हम क्या कह रहे हैं कि the localization energy in the heteroaromatic system reflects heteroaromatic system की जो localization energy है वो actually हमें क्या inference दे रही है, क्या बता रही है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है. इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स. जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल होगा, वो किससे रिलेटेड है, लोकलाइजेशन एनर्जी से. और ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी एक्चुअली हमें ये प्रेडिक्ट कराएगी कि किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी. दस द फॉलोइंग इन्फ्रेंस on orientation can be drawn on the basis of reactivity indices in the aromatic heteroaromatic system. The pi electron distribution is the main factor controlling the orientation. जो कि हमने सबसे पहले starting में ही बोला कि pi electron system का जिस तरह से distribution होगा carbon atom पे, whether it is क्या है, whether it is electron rich, whether it is electron deficient, उससे ही उसका orientation different हो जाएगा. So that means whether this electrophilic reactions will be carried out or substitution reactions will be carried out, this will be shown by the pi electron distribution or the pi electron density. Now what we say here is the pi electron distribution is the main factor controlling the orientation. The transition states very closely resemble to the unperturbed molecule, undisturbed. Unperturbed का मतलब है किसी भी तरह का कोई mixing नहीं हुआ है, disturbance नहीं हुआ है, same as the original molecule. तो जो transition state है, that is very closely resembling to the unperturbed molecule. And the electrostatic interactions contribute significantly to the orientation. जो electrostatic interactions हुई हैं दो molecules में, वो एक्चुअली उनके ओरिएंटेशन को बताएंगे. द फिजिकल पिक्चर फॉर कोरिलेशन ऑफ रिएक्टिविटी विद द फ्रंटियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस क्लियर बट प्रोबेबली इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंटरैक्शन बिटवीन द रिएजेंट एंड स्लाइटली परटर्ब्ड एरोमेटिक सिस्टम इन विच साइक्लिक कंजुगेशन इज रिटर्न. मतलब जैसे ही रिएजेंट उसको अप्रोच करता है तो जो एरोमेटिक सिस्टम है उसमें क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज. क्यों? क्योंकि उस रिएजेंट की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शंस की नेचर है या जो ओरिएंटेशन है वो चेंज आएगा बट द साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज स्टिल रिटेन्ड. बट perturbed तो होंगे, means disturbed तो होंगे, लेकिन उनका cyclic conjugation जो है वो retain रहता है. तो the correlation between orientation and localization energy implies that the transition state is very different from the initial state, since the transition state reflects the structure of sigma complex in which loss of cyclic conjugation is partly compensated by the formation of न्यू सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को जब रिलेट करते हैं तो व्हाट वी से इज द कोरिलेशनशिप बिटवीन द ओरिएंटेशन एंड लोकलाइजेशन एनर्जी शोज दैट द ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट सिंस ट्रांजिशन स्टेट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन विच लॉस ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज पार्टली कंपनसेटेड by the formation of new sigma bond. मतलब जब starting में हम कह रहे हैं ना, the following inferences on orientation can be drawn on the basis of reactivity indices. तो हम ये अलग अलग factors जो हैं जब हम study करते हैं तो ये अलग अलग factors आते हैं, परंतु lastly what we say is that the transition state is reflecting a sigma type of complex जो कि cyclic conjugation वहाँ थोड़ा सा disturb हो जाता है
Why? Because the formation of the new sigma bonds. Now, when we come to the selectivity and reactivity in hetero aromatic rings, what we see here is, सबसे पहले हम six membered ring को study करते हैं. तो six membered ring में जब हम study करते हैं, तो the relative reactivity of the ring atoms in six membered hetero aromatic compounds can be predicted on the basis of reactivity indices, which predicts that the ring nitrogen atom of the pi deficient hetero aromatic ring is the most reactive site for the electrophiles, and the electrophilic attack at the ring carbon atom is exceptionally difficult. मतलब अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये एक six membered है, nitrogen containing ring है हमारी. अब यहाँ पर electrophilic reactions होंगी या nucleophilic reactions होंगी, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर सेलेक्टिव पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की दी गई है. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि पाई डेफिशिएंट हेट्रो एरोमेटिक रिंग इज द मोस्ट रिएक्टिव साइट फॉर द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट द रिंग कार्बन एटम इज एक्सेप्शनली डिफिकल्ट. बट अंडर एसिडिक कंडीशंस द नाइट्रोजन ऑफ द पिरिडीन इज प्रोटोनेटेड and further decreases reactivity of the ring carbon atom towards the electrophile. The comparison of reactivity indices for both pyridine and pyridinium ion accounts for the less reactivity of carbon atom of azenes. So the preferential electrophilic and nucleophilic attacks in azenes are represented in this. So yahan par different arrows se jaise bataya gaya hai ki jo hamari first position hai wo फर्स्ट प्रेफरेंशियल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. सबसे पहली जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की जो प्रेफरेंशियल पोजीशन है वो नाइट्रोजन है. और सेकंड प्रेफरेंशियल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन सी है, थर्ड पोजीशन है. तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा. और उसमें भी जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें पहले होगा और जो थर्ड पोजीशन है उसमें बाद में. ऐसे ही जो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए प्रेफरेबल है, परंतु जो सेकेंड पोजीशन है वो पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और जो फोर्थ पोजीशन है उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा पर वो सेकेंड प्रेफरेंस होगा. तो दीज इफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द बेंजो एनोलॉग्स ऑफ बेंजीन. यानी यदि कैसे हैं, फ्यूज्ड रिंग्स हैं, बेंजीन के साथ फ्यूज्ड रिंग्स हैं, इवन देन दिस कैन बी अप्लाइड. तो उसी प्रकार से ये दिया गया है कि इसमें जो अटैक होगा वो किस प्रकार से होगा, कहाँ प्रेफरेंस है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, इलेक्ट्रोफिलिक में भी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक कैसे होगा, न्यूक्लियोफिलिक में भी फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस. जो यहाँ पर रिएक्टिविटी इंडेसेस हैं जो अब इस टेबल में हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास पिरिडीन भी है और पिरिडीनियम आयन भी है. ये जो है सेकेंड वाला इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन बर्न टू थ्री पोजीशंस है. तो यहाँ पर टोटल चार्ज भी दिया हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज भी दिया हुआ है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दी गई है. तो जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस होंगे उन पे तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट पोजिशन होंगी उनमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. सिमिलरली हम एसिटिक मीडियम में भी देख सकते हैं, हमारे पास कार्बन वन टू थ्री पोजिशंस है, नाइट्रोजन है. तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है. सिमिलरली इन केस ऑफ फाइव मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग, द फाइव मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग विद वन हेट्रो एटम पजेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हेट्रो एटम विच रेस्ट्रिक्ट्स द रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स. While the presence of partial negative charge on the carbon atom facilitates the electrophilic attack at the ring atom. तो जो hetero atom है उस पर positive charge है, उस पर electron density की ज़्यादा है, वो दोनों ही उसको guide करेगी कि electrophilic attack होना चाहिए या nucleophilic attack होना चाहिए. तो यहाँ पर जब हम five membered ring की बारे में बात कर रहे हैं, with one hetero atom, it possesses partial positive charge on the hetero atom. It restricts the reaction with electrophilic reactions. Positive charge है, already deficient है, तो electrophilic reagents आसानी से attack नहीं कर सकते.
वाइल द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, कार्बन एटम पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, दिस फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग कार्बन एटम. तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा लेकिन हेट्रो एटम पे ना होके कहाँ पर होगा, कार्बन एटम पर होगा. दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच एज द कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइव मेंबर्स हेट्रो एरोमेटिक रिंग शो किया हुआ है. तो द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच प्रोवाइड्स अ जनरल मेथड फॉर प्रेडिक्टिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द पर्टिकुलर हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स. मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन कैन ऑल्सो लीड टू सिमिलर प्रेडिक्शंस. द प्रेफरेंशियल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा पोजिशन रादर दैन बीटा पोजिशन कैन बी रैशनलाइज इन टर्म्स ऑफ मोर इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इन द इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स. द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्सेज आर कोरिलेटेड विद द लोकलाइजेशन एनर्जी एंड दस प्रेडिक्ट्स द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द पोजिशंस इन द एरोमेटिक हेट्रो साइकल्स. बेसिकली कहने का अभिप्राय ये है कि जो सिक्स मेंबर रिंग्स हैं चाहे वो फाइव मेंबर रिंग्स हैं उनमें जो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हेट्रो एटम पर या नियरिंग कार्बन एटम्स पर जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वेदर इट इज़ लेस और मोर, वो उसको प्रेडिक्शन में मदद करेगी कि कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, कौन सी पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और यदि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता भी है तो कौन सी पोजीशन फर्स्ट प्रेफरेबल है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड. सिमिलरली ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंशियल पोजीशंस हैं. तो द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे दैट मींस द ट्रांजिशन स्टेट्स, दे आर आल्सो कोरिलेटेड विद द लोकलाइज्ड एनर्जी एंड दस इट विल प्रेडिक्ट द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द पोजीशन ऑफ द एरोमेटिक हेट्रो साइकल्स एज शोन इन दिस फिगर ऑल्सो. यहाँ पर हम जो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उससे हम पता लगा सकते हैं. जब हम सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी है उसका पता लगाते हैं तो व्हाट वी सी इज यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. हमारा फर्स्ट पोजीशन कार्बन एटम है, अल्फा बीटा पोजीशंस. वहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, उस पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा या न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, या कौन सा जो सेकंड पोजीशन इज प्रेफरेबल ओवर द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन इज प्रेफरेबल ओवर द सेकंड पोजीशन, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रेफर कराएगा. तो जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो जो अल्फा कार्बन एटम है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, उसका नियरिंग जो है हमारा अल्फा कार्बन एटम है, और ये अल्फा कार्बन एटम जो है उस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यदि होता है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास ज़्यादा है, दैट मींस इट इज़ मोर स्टेबल, दैट मींस द सेकंड पोजीशन इज सॉरी द अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बन एटम इज प्रेफरेबल ओवर द बीटा पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. लाइकवाइज इन केस ऑफ बेंजो हेट्रोसाइकल्स ऑल्सो, जैसा कि हमने सिक्स मेंबर रिंग में स्टडी किया वैसे ही हम यहाँ पर भी बेंजो हेट्रोसाइकल्स के केस में भी स्टडी कर सकते हैं. दे आर एक्सपेक्टेड टू फेवर बीटा सब्स्टिट्यूशंस इन द हेट्रोसाइकल ओवर द अल्फा सब्स्टिट्यूशंस विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी. जो इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी उससे, उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी विल एक्चुअली शो वेदर अल्फा सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफरेबल, वेदर इट बीटा सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफरेबल. तो इन केस ऑफ बेंजो फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स द बीटा सब्स्टिट्यूशन इन द हेट्रोसाइकल रिंग इज प्रेफरेबल ओवर द अल्फा सब्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि वो अगेन सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है. हाउएवर बेंजो फ्यूरान अंडरगोज मेनली अल्फा सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग इफेक्ट of oxygen atom to the alpha position. परंतु इसमें भी निर्भर किस पर करेगा, जो hetero atom का nature है, whether it is nitrogen, whether it is oxygen, whether it is sulfur, जो strong directing effect रखेगा over the other, वो यहाँ पर preferable alpha और beta substitution को भी
क्या करेगा, गाइड करेगा। तो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग प्रेफरेबल पोजीशंस जो हैं वो किससे गाइडेड हैं, वो और फैक्टर्स के साथ साथ जो हेट्रो एटम प्रेजेंट है उसके नेचर पर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, उस पर निर्भर करते हुए ये बताएगा कि कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। और जो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट जिसकी ज़्यादा स्टेबल होगी, दैट विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल पोजिशन फॉर गिविंग द प्रोडक्ट इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। थैंक यू।